Nucleus is the most tiny central space of the atom. Okay, this is highly dense because all of the mass of the atom is concentrated at this very tiny space, and this is highly positively charged. Means positive charge density, volume charge density of the nucleus is very, very high. Okay, pure atom ka jo positive charge hota hai, that is concentrated on the or in the nucleus. So when that Jigar Marsden experiment was done, alpha scattering experiment was done, it was seen there the central alpha particle which is going into the center, that is reversed back, that returned back. Why was it? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज था, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव के पास अप्रोच करेगा तो एक रिपल्सन आएगा, वो रिपल्सन उसकी स्पीड को कम करता जाएगा, ठीक है, और वो थोड़ा देर पहले से ही क्या होगा, उसकी स्पीड जीरो, और फिर वापस रिपल्सन काम करने लगेगा, और क्या होगा, वो इधर आएगा लौट के, तो पॉजिटिव जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो रिपल्सन जैसे जैसे वो उसको अप्रोच करता जाता है, रिपल्सन बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है अप्रोचिंग रुक जाती है, और बाद में उसको क्या करता है, मूविंग अवे कर देता है, वापस करते है, ठीक है। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकला, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये हाईली चार्ज है इसलिए ये वापस आता है, कुछ लोगों ने ये कहा अल्फा पार्टिकल के बस की ये बात नहीं है कि वो न्यूक्लियस को पेनेट्रेट कर जाए, क्योंकि वो इतना डेंस है, अगर ये अप्रोच करते 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 सपोज की उसको टच भी कर जाए न्यूक्लियस को, तो भी ये इसको छेद के बाहर नहीं आए, बिकॉज दिस इज हाईली डेंस। तो साइज के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियस की जो साइज होती है उसका रेडियस फर्मी लेवल का होता है, ओके, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर फर्मी, एंड व्हाट इज वन फर्मी, 10^-15 मीटर। सो जो रेडियस का ऑर्डर है वो 10^-15 मीटर का होता है, ठीक है, हम लिखते हैं, लिखिए, the nucleus is a very tiny central part of an atom. Its size, its radius is of order 10^-15 meter. Its radius is of order Fermi. Bracket में आप लिखेंगे 10^-15 meter. So this is all about its radius or size. नीचे हम लोग लिखेंगे, its radius is given by, or the radius of nucleus is given by r naught a raised to power 1/3. Here r is radius of any nucleus. R naught is constant and A is atomic mass. R naught is constant and it has very fixed value,
the value is 1.2 into 10 raised to power minus 15 meters. So, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, आपने इतने सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं केमिस्ट्री में, हर एलिमेंट का एक एटम होगा और हर एटम का एक न्यूक्लियस होगा। और जब आप पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि सबसे छोटा एटम कौन है, हाइड्रोजन, तो जाहिर सी बात है इसका न्यूक्लियस भी छोटा होगा। जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है, आपने पढ़ा है एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ये, उसके बारे में पढ़ा भी जाता है, आयनिक रेडियाई पढ़ी जाती है, एटॉमिक रेडियाई पढ़ी जाती है, न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये जो आर है ये बढ़ता है या घटता है, वेरिएबल है, किसके आधार पे बढ़ता या घटता है, वो है एटॉमिक मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना बड़ा न्यूक्लियस होना चाहिए या उतनी बड़ी न्यूक्लियस की रेडियस होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। और एटॉमिक मास या मास नंबर के बारे में आपको पता है, एटॉमिक मास का मतलब होता है जनरली, अगर हम एक तो है कि आप पूरा मास मेजर करके लिखिए, आपको कल परसों लिखाया गया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। कोई भी जब आप न्यूक्लियस की बात करोगे तो आपको पता होगा कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप सारे प्रोटॉन्स का मास निकालिए, सारे न्यूट्रॉन का मास निकालिए, जोड़िए, वो जो टोटल मास आएगा दैट विल बी एटॉमिक मास। पर केमिस्ट्री कहती है कि हर बार इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों करो भाई, हर बार आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इनटू 10 रे टू पावर माइनस 27 है ना, न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट इतना है। तो अब अगर मान लीजिए सोडियम एटम लेते हैं तो 11 प्रोटॉन हुए है ना, और ऑलमोस्ट कितना होगा 12 न्यूट्रॉन हुआ। तो अब 11 में 1.6 इनटू 10 रे टू पावर माइनस 27 का क्या करिए मल्टीप्लीकेशन, फिर 12 में आप मल्टीप्लाई करिए इतने का, फिर जोड़िए, फिर मास टोटल आएगा। तो एक्चुअली में केमिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि रादर देन मल्टीप्लीकेशन करके मास लिखने की बजाय आप सीधे सीधे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दो और ये एक तरीके से 23 आ जाएगा सोडियम के लिए, और ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका, मास है ना। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये एग्जैक्ट मास तो नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल है, डेसिमल के तीसरे चौथे प्लेस पे जाके चेंज होता है, 1.60 समथिंग लिखा हुआ ना आपने लिखा, 1.06 उसका भी होता है शायद, 1.06 उसका भी होता है, तो दूसरे तीसरे प्लेस पे जाके चेंज होता है, तो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हम सेम ही मान के चलते हैं। तो फिर आप सीधे 23 में उसका मल्टीप्लाई करिए ना, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को केमिस्ट्री ने मास नंबर कहना शुरू किया। एक्चुअली मैंने ए इज इक्वल टू एटॉमिक मास लिखा है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज मास नंबर, एक ऐसा नंबर जो बाद में आपके हिसाब से कन्वर्ट हो सकता है किसमें, मास में, ओके। और ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा तो फिर क्या होगा, आर बढ़ता रहेगा। एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा ये कहना है कि अगर मास बढ़ता है तो रेडियस बढ़ता है, इसका मतलब कि मास बढ़ने का मतलब बॉडी भारी होती जा रही है या न्यूक्लियस भारी होता जा रहा है, तो क्या डेंसिटी भी बढ़ता है क्या, है ना, क्योंकि जो भारी चीज होती है जिसका मास ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, तो वो चेक करके देखना है। और ये एक बड़ी पिक्यूलियरिटी फाइंड हुई रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस,
कि मास बढ़ रहा है और रेडियस बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी कॉन्स्टेंट है. तो ये बात कई बार पूछी गई है बोर्ड में, प्रूव दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट. ओके, नीचे हम लोग लिखते हैं द न्यूक्लियर डेंसिटी is always constant for any nucleus. इसको अंडरलाइन कर लेंगे और इसका हम प्रूफ लिखेंगे. न्यूक्लियर डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट. ओके, डेंसिटी की डेफिनेशन या फॉर्मूला कौन बताएगा? दीवांशी, मास अपॉन वॉल्यूम. अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो मास को किससे प्रेजेंट करें, और वॉल्यूम, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट स्फेरिकल माना जाएगा तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 4/3 πr³ से. तो डिवाइड करके देखें, देखते हैं क्या आता है. ओके, तो हम लिखेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. सो ये एटॉमिक मास को तो आप ए से दिखाओगे, वॉल्यूम को आप लिखोगे 4/3 πr³. और जब आप आर क्यूब लिखोगे तो आर का फॉर्मूला यहां से रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय 4/3 πr³. डू द क्यूब ऑफ दिस वन, व्हाट विल हैपन, आर नॉट क्यूब एंड ए विल बी कैंसिल एंड व्हाट विल कम टू यू, 3/4πr³. You know, 3 and 4 are constant, pi is also constant, r naught is also constant. So what is here? Everything is constant, and that's why we can say that the entire nuclear density is constant. But values rakh lete aap, r naught ki value aapke paas hai. Theek hai? Nahi, wo aap calculation kar lenge to aapko pata chal jayega. It is almost 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ना 2.3, मैं लिख दूं 2.3 × 10^10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब सोचिए कि 1 किलोग्राम पानी लेते हैं, 1 किलोग्राम वाटर लेते हैं, या 1 लीटर मीटर क्यूब मान लीजिए, आप मीटर क्यूब की बात करते हैं. सो 1 मीटर क्यूब का पानी का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा कोई बॉक्स हो उसमें पानी भर दे तो उसका वजन 1000 किलोग्राम होता है. ठीक है, अगर मैं इतना ही बड़ा टैंक बनाऊं और उसमें मैं मान लूं कि एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी न्यूक्लियर डेंसिटी के बराबर है, तो उसका वजन 10^17 जो 1000 किलोग्राम होता था. आई डोंट थिंक वी हैव यू नो इन हिंदी हजार लाख वाले में कोई संख्या बनती होगी, 10^17 किलोग्राम. ऐसे आप समझें कि 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो होता है. अगर 1 लीटर न्यूक्लियर डेंसिटी हो गई हमारे पास
तो उसका वजन 10^14 किलो हो जाएगा, मतलब एक बोतल को उठाने के लिए पूरी दुनिया को लगाना पड़ेगा उठा दे उसे, है ना। 10^14 का मतलब आपका कितना क्षमता होती होगी, 100 किलो उठा सकते, 10 किलो उठा सकते एक हाथ से। तो ऐसे 10^13 लोगों को बुलाना होगा, मीन्स मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल विल बी नीडेड, मिलियंस ऑफ मिलियंस, तब जाके 10^12 होंगे, उसका भी 10 गुना ज्यादा, है ना। तो इट्स मोस्ट डेंस मटेरियल इन द वर्ल्ड। न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो सबसे ज्यादा डेंस है, ठीक है। ओके, वी आर कमिंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मास एनर्जी। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एंड बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। So the first concept about, you know, that in the beginning in chemistry there was one law which is called law of conservation of mass. और आप अभी भी आज की भी दिन आप क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो जितने मॉलिक्यूल्स, जितने एटम्स लेफ्ट साइड में होते हैं उतने ही राइट साइड में होते हैं। हम इसको बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, करते हैं आप लोग, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। पर बेसिकली जब कोई रिएक्शन हो रहा होगा तो आपके पास एक अटैकिंग रिएजेंट होता होगा, एक सबस्ट्रेट होता होगा, दोनों का रिएक्शन होता होगा, यू विल गेट अ प्रोडक्ट। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, आपने पूरी थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन और क्या क्या दुनिया भर की चीजें, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और कौन गिब्स फ्री एनर्जी, हेम्पोल्स फ्री एनर्जी, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। तो जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर की एनर्जी ही इवॉल्व होके आ रही है, हो सकता है कि उसके अंदर का मास टूट करके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब मास में कमी हो रही होगी। तो जो केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री जो अभी तक चला आ रहा है वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, मतलब जो भी केमिस्ट्री आप पढ़ के आ रहे हैं वो आपको एक तरीके से झूठ पढ़ाया जा रहा है। कोई भी ऐसा रिएक्शन दुनिया में नहीं होगा जो पूरी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, क्योंकि निश्चित रूप से या तो आपको एनर्जी चाहिए होगी या तो आपको एनर्जी मिल रही होगी, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब केमिस्ट्री ये कहता है कि जब क्रिस्टल्स बनते हैं, जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उनके अंदर एक एनर्जी होती है, मैं मान लेता हूं, लेकिन बावजूद इसके इस बात की कौन गारंटी देगा। आप कभी भी कोई भी रिएक्शन करके वजन करें और सपोज आपने सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने मिक्स किया और सोडियम क्लोराइड बना, तो ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है या हम जानते हैं फंडा है, वन इक्विवेलेंट मास इसका रहेगा, वन इक्विवेलेंट मोल इसका रहेगा,
तो वन इक्विवेलेंट NaCl का बनेगा, वन इक्विवेलेंट किसका बनेगा, वाटर का बनेगा, यही है ना, एक मोल इसका, एक मोल इसका इज इक्वल टू एक मोल इसका, यही है पूरा मोलर कंसेप्ट कि आपने एक मोल में एक मोल मिलाया, आप सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन आप जानते हैं, तो मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH, मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl विल गिव यू वन मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, और वो आप जानते हैं क्या होता है मोलर क्या नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग टाइट्रेशन में इसी फंडे को यूज करते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, उसमें यही होता है, ठीक है। तो जो ये मोलर का कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। तो आइंस्टाइन वाज देयर और उन्होंने कहा कि जब भी कहीं पे अगर आपको मास दिखता है और वो खत्म हो, वो डिस्ट्रॉय हो, ठीक है, तो हमको एनर्जी मिलती है। और दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में दो तरह की घटनाओं को बताया गया कि ये पूरी दुनिया दो तरह की घटनाओं से भरी पड़ी है। पहला है पेयर एनहिलेशन, एनहिलेशन मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। यानी इस दुनिया में हर एक पार्टिकल का एक काउंटर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो का पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो। तो दुनिया में जितने पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब का एक काउंटर पार्टिकल होता है, एंटी पार्टिकल होता है। और इसी कंसेप्ट को लेकर के आजकल एक नई थ्योरी चली है, मैटर एंड एंटी मैटर, ठीक है। कभी गूगल करके देखिएगा कि ये एंटी मैटर क्या होता है। तो जब ये लोग आपस में मिलेंगे तो जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलेंगे, जैसे आप लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे तो आप कह रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक होल मिलेगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर घटना को हम क्या कह सकते हैं, पेयर एनहिलेशन कह सकते हैं। इसमें जब ये खत्म होते हैं तो आप एलईडी को याद करिए, एलईडी में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन आता था, एक होल आता था, दोनों मिल जाते थे और हम कहते थे कि जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें निकल आती है, लाइट के फॉर्म में। तो आप अगर मैं आइंस्टाइन के फॉर्म में बोलूं कि दो पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इनका मास भी होगा, और जब ये मिल जाएंगे तो इनका मास भी खत्म होगा, और जब मास भी खत्म होगा तो वो भी किसमें निकलेगा, एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो अ मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और फार्मूला क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। तो बहुत ज्यादा, ये कितनी होती है, 3×10⁸ स्क्वायर करोगे तो 6, कितना 16। तो एक किलोग्राम का कोई मास ले लो, एनर्जी कितनी निकलेगी, 10^18 जूल, सॉरी 16 जूल। और 10^16 जूल का मतलब एक किलोग्राम की चीज को जी का मल्टीप्लाई कर लो 10 का, 100 हो गया, 10 हो गया, कितना दूर लेके जा सकते हैं, 10^17, मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगा ले, जितना काम करना पड़ेगा उतना काम सिर्फ एक किलोग्राम की चीज को बर्न करके, पेयर एनहिलेट करके हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज सच अ बिग डील, सच अ बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरी घटना थी वो कहलाती है पेयर प्रोडक्शन। कोई भी लाइट, कोई भी रेडिएशन, कोई भी एनर्जी हो सकता है वो दो पार्टिकल्स में बदल जाए। इसमें हमेशा जब कभी ऐसा होगा तो एक पार्टिकल बनेगा और एक उसका एंटी पार्टिकल बनेगा, दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो इंडियन फिलॉसफी, स्पेशली आइंस्टाइन वाज टेकन इट फ्रॉम यू नो श्रीमद् भागवत गीता, टोल्ड दैट कि भगवान जी ने कहीं पे बोला है, एको अहम बहुश्यामा, ये दुनिया मुझसे ही पैदा होती है, मुझसे ही बनती है और मेरे में ही खत्म हो जाती है। तो ये बात प्रूव हो गई कि ये जो मटेरियल यानी मास वाली दुनिया है,
ये खत्म होके एनर्जी में बदलती है और जो परमात्मा है या जो गॉड है वो अल्टीमेट एनर्जी है। सो सारा मास एनहिलेट होके किस में बदलता है? एनर्जी में। और फिर जब मन चाहे एनर्जी फिर से किस में बदल सकता है? मास में बदल सकता है। ठीक है, तो ये है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज एनर्जी, M इज मास, C इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इफ M इज वन ए एम U, आप इसे वन U भी कहते हैं, ओके? और इसका किलोग्राम में कितना वजन होता है, कितना मास होता है, आपने लिखा हुआ है वन यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-27 किलोग्राम। ओके, नाउ E is equal to M means 1.6 into 10^-27 into 3 into 10^8 whole square. So this will come to you in joule. ये किसमें आएगा? Joule में। अब आप नेक्स्ट स्टेप में 1.6 इंटू 10^-27 इंटू 9 इंटू 10^16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10^-19 यानी E, चार वन इलेक्ट्रॉन का डिवीजन कर दीजिए। ये पूरा डिटेल में है, इसकी और भी वैल्यू है, डेसिमल के और भी प्लेसेस 1.66। ठीक है, इतना ही रखते हैं और ये होगा 1.660। ठीक है, तब जब आपने E का डिवीजन कर दिया तो ये जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे दिस विल कम टू यू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन का मतलब 10^5। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। What will be the energy that comes out due to one U mass? Yeah, if one U mass is destroyed, what will be the energy coming out? ठीक है, या फिर कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, What is energy equivalent of one U mass? Express it in million electron volt. So this is energy equivalent to mass 1 U. 1 U ka energy equivalent kya hai? 931.5 million electron volt. Iska matlab 1 AMU. Aapko pata hai ye mass ke napne ki sabse choti unit hai. Yani duniya ka सबसे छोटा मास इससे नापा जाएगा 1 U से। अगर सबसे छोटे मास का अमाउंट भी एनर्जी देता है तो वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर आपके पास ठीक ठाक 100 ग्राम 50 ग्राम वो पाकिस्तान वाली भाषा में
पाव भर आधा पाव का एटम बम रहेगा है ना, तो वो कितनी एनर्जी पैदा करेगा है ना। आपने सुना वो पाकिस्तान का एक वो मंत्री था वजीर, तो उसने बोला कि हिंदुस्तान को क्या पता कि हमारे पास पाव पाव आधा पाव के भी बम है ना। पाव मीन्स 250 ग्राम, आधा पाव मीन्स 125 ग्राम के बॉम्ब्स हैं। तो अगर वो 125 ग्राम का भी बम अगर वो एक्सप्लोड कराया तो कितनी एनर्जी होगी। आप सोचो कि ये 10^-27 है, पहले एक ग्राम पे आओ तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 10^27 का, और फिर वो 125 बोल रहा है, तो 125 का और मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी जनरेट होगी है ना। तो एटम बम इसीलिए खतरनाक है, ये छोटा सा होता है, ट्रिगर होते ही ग्रेट डील ऑफ एनर्जी विल कम आउट, और इतना ज्यादा कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जिस दिन हम न्यूक्लियस का परिचय दे रहे थे हमने कहा था कि ये दुनिया का सबसे छोटा स्पेस है और इसी में सारे प्लक्स को आना है। मान लेते हैं ये छोटा सा स्पेस है और इसी में जितने प्रोटॉन हैं इसी में इनको रहना है। ठीक है, स्पेस भी कितना है, रेडियस आप सोचें, इसका रेडियस यहां से यहां तक का 10^-15 है। अगर मैं एक प्रोटॉन को यहां मान लूं और एक प्रोटॉन को मैं यहां मान लूं और मैं इन पे कूलम्स का लॉ लगा दूं तो 1/4 π ε₀ इज 9×10^9। Q1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 का मतलब इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज क्योंकि इक्वल होता है प्रोटॉन के चार्ज के, अपॉन जो डिस्टेंस होगा वो होगा 10^-15 और उसका हो जाएगा स्क्वेयर यानी -30, ऊपर जाके बन जाएगा +30। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच का जो रिपल्सन होगा वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्सन। ठीक है, और हम सारे कह रहे हैं कि वो यहीं पे रहेगा, मतलब प्रोटॉन बाहर निकल के जा नहीं सकता, कहां रहेगा, न्यूक्लियस। तो कोई तो होगा जो जबरदस्ती बांध के रखे होगा, अदरवाइज ये यहां रहते क्यों, ये यहां क्यों रहेंगे भाई, एक बंद आकृति के अंदर, एक बंद शेप के अंदर अगर चार्जेस एक ही तरह के रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपल्सन को कोई ना कोई फैक्टर ओवरकम कर रहा है, रिपल्सन के ऊपर कोई ना कोई एक फैक्टर है जो उसको क्या करता है, बांध के रखे रहता है, एंड दैट इज व्हाट बाइंडिंग। देयर इज वन वेरी हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट विल ट्राई टू बाइंड ऑल द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ओके, और वो मिलेगी कहां से, जब आप न्यूक्लियॉन्स से, न्यूक्लियॉन्स मीन्स जो लोग न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, फिलहाल के लिए तो आपके पास दो ही स्पेसीज हैं, पहला है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन, तो हम इन दोनों लोगों को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। ठीक है, आप बूंदी वाला लड्डू देखा है, लड्डू ठीक है दो तरह के होते हैं, एक होता है बेसन या मूंग दाल के लड्डू और एक सिंपल बूंदी वाले लड्डू है ना, दाने वाले। दाने वाले लड्डू को आप देखिए, हर एक जो दाना होता है आप उसको न्यूक्लियॉन मान लीजिए और 25-30 दाने ले लीजिए आप, 25-30, इतने न्यूक्लियॉन्स लेकर के हम एक न्यूक्लियस बना दो। तो जब आपने न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग लिया, यानी वो जो बूंदी के दाने हैं उनका आप वजन कर लीजिए
पहले से जो भी 25-30 लिया और फिर उसका लड्डू बनाए और फिर जब वो लड्डू बन जाए तब उसका वजन दे। तो वजन किसका कम और किसका ज्यादा होना चाहिए? आपने कभी लड्डू बनाया है? एनीवन ऑफ यू? हाथ में जब आप ऐसे करेंगे ना, समथिंग विल स्टिक इन योर पाम। ओके, सो लड्डू के मास में क्या हुआ? कमी हुई। यही हाल न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होता है और जब आप उनसे क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, तो न्यूक्लियस का मास क्या होता है? कम हो जाता है। तो मास में कमी हुई एंड मास में कमी क्या बनाएगी? एनर्जी। यही वाली एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है एंड That's why this energy is called binding energy. ठीक है, लड्डू से बात करते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। जब आपने बूंदी ली, यानी अलग अलग लिया सबको, उनका मास ज्यादा था, जब आपने उनको कंबाइन किया तो मास हो गया कम। ये जितना मास में कमी आती है इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। What is it? Defect. Mass defect. ये mass defect एक energy produce करेगा। आपने बोला, अभी बोला कि जब mass खत्म होता है तो क्या मिलती है? Energy मिलती है। और ये energy कहाँ utilize होगी? सारे लोगों को बांध के रखने में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? Binding energy कहते हैं। Clear? Okay. Write it down. When we make a nucleus with the help of nucleons, there is some loss in mass. There is some loss in mass. This loss in mass is called mass defect. This loss in mass is called mass defect. This mass defect will produce an energy. That binds the nucleons. That binds the nucleons into the nucleus. Into the nucleus. Hence, this energy is called binding energy. So, suppose I am going to take a nucleus, or I'm going to make a nucleus whose atomic number is mass number is A and atomic number is Z. It means there are Z protons here and there are A minus Z neutrons. Correct? So what will be the mass of nucleon? सबसे पहले हम mass defect का formula लिखते हैं। Mass defect आप इसको किससे दिखा लें? डेल्टा m से, एंड डेल्टा m इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल नंबर कितना हुआ प्रोटॉन का? जेड।
एक प्रोटॉन के मास को कितने दिखाते हैं हम लोग, मास ऑफ प्रोटॉन लिख दें, तो ये हो गया सारे प्रोटॉन का मास। अभी किसका निकालें हम, सारे न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ए माइनस जेड इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये किसका मास हो गया, सारे न्यूक्लियॉन्स का मास हो गया, है ना। इसमें से किसको माइनस करने की मास दिख सकता जाए, न्यूक्लियस के मास को, तो माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या हो गया आपका, मास डिफेक्ट का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम स्क्वायर। तो अगर ये किलोग्राम में होगा तब तो आप सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये यू में होगा, एम यू में होगा, तो आप सिर्फ 931.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, इफ दिस इज इन किलोग्राम तब तो आपको 3×10⁸ होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर जनरली जितने भी मासेस दिए जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में वो यू में होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में होते हैं, एंड दैट्स व्हाई हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 931। और यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस समय जो आपका एन होगा वो किसमें लिखा जाएगा, यू, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल आता है, मैं अपने साथ घटी दुर्घटना बता दूं, हमारे बोर्ड के पेपर में इस पे एक न्यूमेरिकल आया था और 2 × 4 = 6 लिखा था मैंने, और पूरा रिवीजन के बाद भी वो 2 × 4 = 6 ही रहा, जबकि हम लोग बड़े कंसंट्रेट करते थे, मतलब अपने लिए एक रिवीजन का टाइम फ्रेम रखते थे, आपके बच्चे नहीं रखते रिवीजन को लेके, वो लिखते ही जाते हैं, पर हम लोग रखते थे कि अपने लास्ट के 15 मिनट हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किया है कौन सा नहीं किया है, और कई बार होता न्यूमेरिकल्स को 2 बार डबल ही से और होना पड़ता था सही किया कि नहीं किया, तो उस दौरान भी 2 × 4 = 6 ही आया, और जैसे ही पहला कदम हमने बाहर रखा एक लड़के ने बोला अरे इसमें ये तो इससे आसान तो कोई न्यूमेरिकल ही नहीं था, बस 2 × 4 = 8 करना था, है ना। और फिर तो होता है ना कभी कभार, है ना, आप एक गलती करते हैं और उस गलती को जब आप दोहरा रहे होते हैं तो वही वाली गलती बार बार आपकी जुबान पे चढ़ी होती है ना, और पछतावा तब होता है जब वो बड़ी सिल्ली सी मिस्टेक होती है, आपको लगता है यार ये भी मेरी गलती हो सकती है ना। तो इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कैसे आएंगे, आपको ए बता दिया जाएगा, जेड बता दिया जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन बता दिया जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन बता दिया जाएगा, न्यूक्लियस का मास बता दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कितनी एनर्जी बनी, या ये बाइंडिंग एनर्जी है ये जो निकली, आपसे पूछा जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब पर न्यूक्लियॉन का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का डिवीजन करो, कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए भाई, टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जोड़ दो दोनों में, जेड कैंसिल हो गया, कितना, ए के बराबर, यानी ये जो एनर्जी आएगी निकल के इसमें आप ए का डिवीजन कर दो तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। नीचे हम लोग लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, या ऐसे ही लिख लें द अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, द अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी रिलेटेड टू वन न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड फैन चला लें, ठंडी गर्मी लग रही नहीं लग रही,
ऐसा ना हो पता चले तो डिसअपीयर हो जाए कम करके ठीक ओके इस काल फाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अच्छा मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट कितना अच्छा और क्यों लिया जाता है आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली बाइंडिंग एनर्जी का मतलब बांध के रखने वाली एनर्जी इतने सारे लोग 1 2 3 4 5 6 7 कितने लोग हुए 7 5 12 17 मान लीजिए 17 लोग इलेक्ट्रॉन्स हैं और सब एक दूसरे को नफरत करते हैं है ना हेट ईच अदर तो फिर इस एक कमरे में उनको बैठाना बड़ा मुश्किल है जैसे बिग बॉस हाउस में है ना उनको एक जगह रखना बड़ा मुश्किल है पर वो बिग बॉस ही हैं जो उनको बांध के एक जगह रखते हैं निकलेगा तो पैसे कट जाएंगे तेरे उस चक्कर में सारे वहीं बैठे रहते हैं है ना तो अगर आपको कोई यहाँ बिठाना चाहेगा तो इसका मतलब वो दमदार आदमी होना चाहिए उसके पास काफी एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी सबके लिए लगी हुई है ठीक है तो एवरेज निकाला जाए तो एक आदमी को यहां बांध के रखने की कितनी एनर्जी होगी वो कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस अब अगर किसी एक न्यूक्लियस के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मान लीजिए कि एक पड़ोस का कमरा है वो भी न्यूक्लियस है और वहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके यहाँ पे वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कौन सबसे ज्यादा बढ़ा होगा आप बढ़े होंगे या वो 10 वाला बढ़ा होगा दूसरे वाले आप लोग बढ़े होंगे क्योंकि आपके एक आदमी को बांध के रखने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है जबकि उसके एक आदमी को बांध के लिए रखने के लिए केवल 10 है और अगर किसी ने उसको 10 की एनर्जी दे दी तो वो भग जाएगा आपको भगाने के लिए थोड़ा और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जब तक कि वो 20 ना हो जाए है ना तो बांध के रखने वाली पर न्यूक्लियन एनर्जी जितना ज्यादा होती है वो एटॉमिक न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल हो ठीक है जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्टेबल न्यूक्लियस होगा ठीक है तो नीचे लिखते हैं हम लोग लिखिए इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर देन द न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल then the nucleus will be more stable. एक numerical है आपके बुक में आप कर लेंगे वो इजी है इसी फॉर्मूले पे है और फिर 931.5 को मल्टीप्लाई करना ठीक है तो अब मैंने आपको बता दिया कि अगर ये मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है ना थी तो आप भी जब इसे करेंगे तो डबली श्योर होंगे कम से कम 4 2 या 2 4 6 नहीं आए ठीक है तो न्यूमेरिकल में लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन होगा आपको पता है 3 3 4 4 प्लेस के डेसिमल्स हैं है ना क्योंकि आप मासा प्रोटॉन लेंगे तो 3 4 प्लेस का होगा मासा न्यूट्रॉन लेंगे वो भी 3 4 प्लेस का होगा तो मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल्स काफी आते हैं डेसिमल्स आते ही हाथ पांव कांपने लगते हैं है ना ऐसा होता है कहाँ लगाएं कैसे लगाएं और फिर पता चला एक प्लेस की गड़बड़ी हो गई तो सब गड़बड़ हो जाता है तो इस बात का ध्यान रखिए आते हैं हम लोग लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क बाइंडिंग एनर्जी क और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट
टॉपिक है. अगर किसी को ये चैप्टर छोड़ना है, नहीं पढ़ना है, मजा नहीं आती है ना, तो ये चैप्टर छोड़ सकता है, बशर्ते वो इसे तैयार करके जाए, बाइंडिंग एनर्जी का. हाँ, लेकिन बाद में ये नहीं कहना कि सबने ही बोला था, छोड़ दो इसे और यही वाला पढ़ के जाना. हाँ, दोनों चैप्टर मिला के शायद 5 मार्क्स है ना, एटम्स एंड न्यूक्लियाई. चिक चिक ना करो, मैं आपको बता दूं, ये जो रवैया है ना स्केपिज्म वाला, पलायनवाद वाला, कि इसको छोड़ देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जो हम लोग सिखाते हैं, है ना, सीबीएसई ने इसी को खत्म करने के लिए 20 ऑब्जेक्टिव डाले. पढ़ो, इसका कहीं से कोई तोड़ नहीं, पता नहीं कौन सी लाइन से में घुस के क्वेश्चन दूंगा मैं, है ना, वो क्वेश्चन देने वाले को भी नहीं पता. इसलिए ऑब्जेक्टिव आने का मतलब होता है यू हैव टू गो थ्रू लाइन बाय लाइन, पता नहीं कौन सी लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है. पहले होता था, हम लोग भी बच्चों को एटम्स में छोड़ दे यार, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ दे यार, क्या है उसमें, है ना, कुछ नहीं आता है, जो आता है वो उससे आता है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से आता है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या करना, फेरो डाई पैरा पढ़ ले और एक हिस्टर्सिस का पढ़ ले, बात खत्म. पर ये बीते जमाने की बात हो गई, अब की बात नहीं है, अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा. तो अनलकी यू आर, बाइंडिंग एनर्जी कम. देखिए, दिस कर्व इज ऑबटेंड, दिस कर्व इज ऑबटेंड when we plot binding energy per nucleon against mass number of nucleus, against mass इधर आप रखते हैं binding energy per nucleon और उसको दिखाते हैं E, B and C. E for energy, B for binding, N for nucleon. तो binding energy per nucleon. क्या लिखेंगे इसको? EBN. और इधर क्या रखेंगे आप लोग? Mass number. किसे दिखाया जाता है? A से. तो दुनिया में कितने elements आपको पता है इस समय chemistry में? 118. और highest mass number कितना है? मास नंबर, नॉट एटॉमिक नंबर, पता नहीं, मुझे भी नहीं आई 230. कुणाल रेने को जवाब देता उन सब. ओके, तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो MeV में होगा, वोल्ट में होगा. तो ये 0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर 2, 4 दिस इज 6 एंड देन 8 एंड देन 10. ठीक है, तो सबसे पहले आपका
सबसे हल्का वाला एटम को, इधर को भी रख ले भाई, इधर को दिखाया गया है 25, then 50, then 75, then 100, then 125, then 150, and 175, 200, 225, 250, बस यही सब दिखाया गया, ठीक है। अब ये जो ग्राफ होता है ये दिखाता है कि जितनी न्यूक्लियस हैं आपके पास उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेम नहीं रहती, ये उथल पुथल मचता रहता है, ठीक है। आपको पता है जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होते हैं तो आपको बताया जाता है कि एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ता ही जाता है, आप एक 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 बढ़ते जाते हैं और क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, पर कभी कभार सेम एटॉमिक नंबर पे मास नंबर चेंज हो जाता है, और जैसे ही मास नंबर चेंज होगा बाइंडिंग एनर्जी में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। आप देखिए, आप अगर हाइड्रोजन की बात करें, आपने उस दिन बोला था कि तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। उस दिन मैंने कहा था कि ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने का मतलब क्या हुआ, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का क्या मतलब हुआ, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तभी तो वो अनस्टेबल है। जबकि हाइड्रोजन एक स्टेबल न्यूक्लियस, तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा वो क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी ढूंढता है, आप लोग भी ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि पढ़ लिख के कुछ बन जाए, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए और सेटल हो जाए, है ना। हर कोई सेटल होना चाहता है ना, हम लोग भी यहाँ तो सोचते हैं दिल्ली में सेटल हो जाए। What does it mean settle? हम stable हो जाए, ये इधर उधर का भागना दौड़ना छूट जाए। तो दुनिया में हर कोई settle होना चाहता है, stable होना चाहता है, वही हाल इन सारे nuclei का होगा। सब लोग stable होना चाहेंगे और stability के लिए उनकी binding energy पर nucleon क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, आपने शायद 11th क्लास में जब आप पढ़ रहे होंगे या अभी एटम वाला चैप्टर जब भी, तो आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वो माइनस में होती, और टोटल एनर्जी निकालते हैं तो वो भी माइनस में होती, याद आ रहा होगा। और फिर हम कहते हैं कि द टोटल एनर्जी इज निगेटिव, इट मीन्स दैट The electron is bound within the nucleus. So bind करने वाली energy positive होगी या negative? Negative होगी, याद रखिएगा। इसका मतलब ये energy जो हम formula से निकाल रहे हैं, हमने कहीं पे plus minus नहीं डाला है, पर ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि binding energy कैसी होती है, negative होती है, ठीक है। तो graph बनाते हैं हम लोग, ये देखिए, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा एग्जैक्ट, तो मैं भी थोड़ा नहीं बना पाता हूं, पर ये जितना एग्जैक्ट आप खींचेंगे, हालांकि आजकल तो हम बच्चों को बोलते हैं कि दो बार ऊपर नीचे कर दे, बन गया वी श्योर अबाउट द पॉइंट, ठीक है। अब नहीं आए तो वैसा परक्यूपाइन की तरह फिगर बना दो, बात खत्म हो गई, है ना। परक्यूपाइन वाला एक फिगर तो है ना, दो बार ऊपर नीचे करके उसके कांटे दिखा दो, लंबी से दुम बना दो, बन गया, हो गया वो ग्राफ, सही है। ईवीएन उधर और ए इधर, पर अगर आप सपोज कि आप अगर परफेक्ट जानना चाहते हैं,
तो फिर आप ऐसे फिगर बनाएंगे और फिर इसके बाद आपका ये कहाँ तक पहुंच गया, एसआई 50 के आसपास, ठीक है। इसके बाद आपका ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ऑलमोस्ट कितने पे जाएगा, 56, यानी 50 के थोड़ा सा पास, तो सबसे ऊंचा ये 56 के आसपास हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से ये घटना शुरू हो जाता है। आप सबका नाम रखिए हम, यहाँ पे H2 होता है, इसके जस्ट ऊपर H3 होता है, एंड अबव दैट ये हीलियम होता है, और यहाँ पे लिथियम होता है, एंड एट दिस पीक, ये वाले पीक पे कार्बन 12 होता है, एंड लोअर वाले पे नाइट्रोजन 15 होता है, नाइट्रोजन 14, और फिर यहाँ पे एक और किंक होता है, यहाँ पे जस्ट नीचे थोड़ा सा एक किंक, और फिर ये आगे बढ़ता है, यहाँ पे ऑक्सीजन 16 होता है, और जस्ट इसके नीचे ऑक्सीजन 18 होता है, और फिर ये सल्फर 32, और फिर आयरन 56, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ये होगा आपका आयरन 56, और फिर इसके बाद गैस, फिर 100 से आएगा मॉलिब्डेनम, और फिर एक आयोडीन होगा 127 से, और फिर लास्ट वाले को दिखा दीजिए 238 यूरेनियम, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा है कि इस चैप्टर में आप कुछ पढ़े ना पढ़े, ये आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। ग्राफ खींचने को आता है 1 मार्क, ठीक है, थोड़ा बहुत झोलझाल चल जाएगा, ठीक है। ऐसे 3-4 किंग्स, कितने किंग्स हैं, किंग्स गिनिए, एक किंग है, दूसरा, तीसरा, तो 3 किंग हो गए। और इसके बाद थोड़ा ऊपर उठा के क्या करिए, चिड़िया का पंख है ये एक तरीके से, है ना, ऐसे ही तो बनाते हैं, ठीक है। तो ये खींच दीजिए, 1-2 जितनी भी नाम जानते हैं, मैक्सिमम नंबर, उतने नाम आप दिखा दीजिए। मैं नहीं कहता कि सारे नाम दिखाया, पर मॉलिब्डेनम को याद रख लेना चाहिए, 100 पे रहेगा, ठीक है। आयरन इसलिए भी याद रखना चाहिए क्योंकि ये सबसे टॉप पे है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो दुनिया में जितने भी छोटे एटम्स हैं, ये छोटे हैं ना, नीदर वाले, और उनकी पोजीशन बिल्कुल नीचे आ रही है, जो लोग बिल्कुल नीचे हुए उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कम हो गई, और अगर कम है तो वो स्टेबल होंगे या अनस्टेबल। तो अनस्टेबल लोग होते हैं वो आपस में मिल करके स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहेंगे, इस घटना को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, मिलने को फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ये लोग बड़े लोग हैं, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है, ये भी अनस्टेबल होंगे। ये लोग भी क्या चाहेंगे, स्टेबल हो जाए, इसके लिए ये टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे और स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे, इस घटना को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। मजे की बात यह है कि दोनों ही घटनाओं में एनर्जी निकलती है, फिजन होता है तो भी निकलती है, फ्यूजन होता है तो भी निकलती है, ये बड़ी विचित्र बात है। आप इससे पहले पढ़ चुके थे कि जब न्यूक्लियॉन्स को जोड़ा जाता है तो एक एनर्जी बनती है
जो बांध के रखती है, ठीक है। तो अगर मैं कभी न्यूक्लियॉन्स में न्यूक्लियस को ब्रेक करता तो मुझे और सारा मास चाहिए होगा, और मास कहां से मिलेगा, जब उसमें से एनर्जी कम होगी तभी तो, यानी तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता, पर यहां टूटने के टाइम पे भी एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, जुड़ने के टाइम पे तो निकल ही रही है। उसी बात को एक्सप्लेन करना है, तो इस ग्राफ से दो तीन चीजें एक्सप्लेन करनी है। पहला कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन होता क्यों है, दूसरा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में एनर्जी बाहर क्यों आती है, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, वेरी लाइटर न्यूक्लियाई एंड वेरी हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, व्हाई, व्हाई, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, एंड दैट्स व्हाई दे विल बी अनस्टेबल, ओके। सो टू गेट स्टेबिलिटी द लाइटर न्यूक्लियाई विल गेट टूगेदर टू गेट higher atomic, sorry, mass number and acquire high value of binding energy per nuclei. In the same way, the heavy nuclei will be broken into two or more lighter nuclei to get high value of binding energy per nuclei. Okay, so likhte hain conclusion of the graph. नंबर वन, दिस ग्राफ इज शोइंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो सुने वो हटा दीजिए, द बाइंडिंग एनर्जी, the binding energy is negative, the binding energy is negative, that shows there is an attractive force between nucleons. As the energy due to this force is expressed in million electron volt, so this force is very, very strong. आपने कहीं पढ़ा है ना, 10th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये वही वाला फोर्स है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि ग्राफ खींच लेंगे आप, और कहा जाएगा on the basis of this graph show that the nuclear force is attractive in nature and most strongest force, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो बताना है कि ये अट्रैक्टिव है, तो क्या बोलोगे आप भाई, आप ये कहोगे कि हम जो ग्राफ खींचे हैं वो किसके लिए है, बाइंडिंग एनर्जी के लिए। बाइंडिंग एनर्जी कैसी होती है,
नेगेटिव. अब नेगेटिव इनर्जी किसके कारण बनती है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए. फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है तो फिर वो पॉजिटिव होते. आप देखो, आप एक बार अपने चैप्टर नंबर 2 को याद करो, वहां पे यू का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1Q2 डिवाइडेड बाई आर. और आपको यहाँ पे कहा जाता है कि आप साइन काउंट भी लेते हैं. तो अगर ये माइनस रहा तो फिर टोटल प्लस आएगा, यानी आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. और आपको पता है माइनस माइनस के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है. तो रिपल्सिव का यू कैसा आया? पॉजिटिव. या फिर ये प्लस ले लो Q1, Q2, तो फिर पॉजिटिव. यानी रिपल्सिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है. तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स की कैसी होगी? और आप कह रहे हो कि मैंने बाइंडिंग एनर्जी दिखाया और वो कैसी आ रही? निगेटिव. तो अगर बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि कौन सा फोर्स होगा उनके बीच? अट्रैक्शन का. सो द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. अब रही बात ये बताने की कि ये सच में बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि इसमें जितनी भी हमने दिखाई है वैल्यूज, वो किसमें दिखाई है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है. एक न्यूक्लियन को बांध के रखने के लिए कितनी एनर्जी है? 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? इसका मतलब कि जो फोर्स इस एनर्जी को बनाता है वो फोर्स क्या होगा? काफी स्ट्रॉन्गर होगा, तभी तो इतनी बड़ी एनर्जी दे रहा है इसको, ठीक है? तो आप लिखेंगे कि दिस एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेंस द फोर्स दैट कॉजेस दिस एनर्जी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. क्लियर हो गया? एक चीज क्लियर हो गया. दूसरी चीज का दूसरा, मैं जो आपके बुक में लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा लेटर ऑन एक्सपेंड करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा है. तीसरे पॉइंट का देखिए, व्हेन द टू स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू मेक अ bigger to make a bigger nucleus then this process is called nuclear fusion then this process is called nuclear fusion. Example 1H2 plus 1H2 gives out 2HE3 plus 0N1 plus energy. ये वाला reaction sun पे होता है. Sun की जो energy का राज है, sun जो हमें एवरी डे इनर्जी दे रहा है, उसके पीछे इसी रिएक्शन का हाथ है. वहां पे ड्यूटीरियम होता है. ड्यूटीरियम होता तो प्रोटॉन सॉरी हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन पहले आपस में मिलके ड्यूट्रॉन बनाते हैं. ड्यूट्रॉन से हीलियम बनता है. और जब ये पूरी प्रोसेस हो रही होती है उस दौरान क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है, ठीक है? आपके यहाँ पे जो मॉडर्न सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में आप आपके पास, जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास एटम बॉम्ब है, पाकिस्तान कहता है हमारे पास भी एटम बॉम्ब है, अमेरिका के पास भी एटम बॉम्ब है. तो एटम बॉम्ब इज द बॉम्ब विच इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स ब्रेक होने पे जो एनर्जी निकलती है. एक और बम है जो अमेरिका के पास, इवन वी हैव आल्सो टेस्टेड, बनाया नहीं है पर इन द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, पोखरण एक मूवी आई ना, परमाणु, सॉरी
पोखरण भी आई, पोखरण में हुआ था, परमाणु नाम है उस मूवी का, ये पोखरण नाम है, परमाणु नाम है, परमाणु का मतलब होता है एटम, ओके, तो वो एटॉमिक एनर्जी को लेकर के वो एक पूरा वो है वहां पे जैसलमेर के पास एक जगह है पोखरण, वहां पे जमीन के अंदर एक टेस्टिंग लैब बना हुआ है, तो हम लोगों ने वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन पे भी काम किया है, मतलब एक ऐसा भी बम बनाने की कोशिश करी गई है जो फ्यूजन पे हो, फ्यूजन पे तो है ही है, ठीक है, फ्यूजन पे तो एटम बम सबके पास है, अमेरिका के पास जो फ्यूजन बम है, फ्यूजन नहीं फ्यूजन बम, उसका नाम उन्होंने दिया हुआ है हाइड्रोजन बम, ठीक है, और उसमें जो वो फार्मूला यूज करते हैं या जो रिएक्शन यूज करते हैं वो ये है, 1H1 plus 1H1 gives out 1H2, okay, plus 1 and sorry, यहाँ पे होगा plus 1E0, ठीक है, पॉजिट्रॉन, ऐसे और भी रिएक्शंस हैं, इसके बाद इससे ये बनता है और हर बार क्या होता है, एनर्जी निकलती है, तो ये ज्यादा डेडली है क्योंकि इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये एक्चुअली न्यूक्लियस है, दूसरे न्यूक्लियस के पास जाके उससे मिलेगा, ऐसे ही कोई एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में नहीं मिल सकता, आपको पता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, दुनिया का हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज है वहां पे, और दूसरा भी हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज रखे हुए, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज में कैसे घुस जाएगा भाई, नहीं घुस सकता ना, तो पहले उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है कि वो आपस में मिले, इसका मतलब हाइड्रोजन बम बनाने से पहले या हाइड्रोजन बम को ट्रिगर करने से पहले हमें एक एटम बम फोड़ना पड़ेगा, पहले एटम बम फटेगा, एटम बम की जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी से हाइड्रोजन क्या होगा, एक्टिवेट होगा और फिर ये आपस में मिलेंगे और फिर बड़ी वाली एनर्जी निकलेगी, है ना, बहुत बहुत नहीं, वो तो एटम एटम बम था, और ये जो एनर्जी निकलती है ना, आपको पता है एनर्जी विल कम इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, अब रेडिएशन का मतलब सिर्फ गामा रेडिएशन ही तो नहीं है ना, क्योंकि हमारी शुरुआत तो गामा रेडिएशन से हो जाती है, पर दुनिया में इतने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सबके चलने से, आपने पढ़ा है अभी तो डुअल नेचर आपने पढ़ा, कि हर चलता हुआ पार्टिकल एक वेव बनाएगा, हर वेव एक रेडिएशन बनेगा, कौन सा वेव कौन सा रेडिएशन कितना असर डालेगा किसको क्या पता, हम तो गामा से इतना डरते हैं, हम तो अल्ट्रा वायलेट से इतना डरते हैं, वो बांध के SPF लगा के बाहर निकलते हैं, है ना, है नहीं, जो सिंपल सी वेव रेडिएशन आता है हमारे यहाँ अर्थ पे सन भेजता है अल्ट्रा वायलेट रे, जो कि कहीं से इतना हानिकारक नहीं है, उसके लिए हम इतनी सारी जुगाड़ और इतना ज्यादा प्रोटेक्शन लेते हैं, अब सोचिए कि वहां पे पता नहीं कितने सारे रेडिएशन आ रहे हैं, और रेडिएशन का असर सीधा सीधा कहाँ पड़ता है, जीन्स पे, जो म्यूटेट हो जाते हैं, मतलब जीन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो बॉन्डिंग है उसके क्या बोले साइटोसिन गुआनिन और वो जो एडिनोस जो भी है उनके, वो बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, और फिर इसके बाद हो सकता है कि इंसान की औलाद शैतान पैदा हो, मे बी होता है ना, लोग कहते हैं वो गणेश जैसा एक बालक पैदा हुआ, देखा पेपर वेपर में कभी कभार आता है, उसके हाथी के सूंड जैसे, दैट इज ड्यू टू ट्रांसम्यूटेशन, नहीं पढ़ा कभी पेपर में, कभी कभार न्यूज आता है ना, लोग पहुंच जाते हैं उसे धूप अगरबत्ती दिखाने, और जब तक वो दिखाते हैं वो निपट जाता है बेचारा, क्योंकि उसको भगवान बना लेते तुरंत के तुरंत, चले लिखिए इसमें टाइम कितना हुआ, ये वाला खत्म करो, देखिए द एनर्जी इज रिलीज्ड इन एवरी न्यूक्लियर फ्यूजन लाइन चेंज करके लिखे, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ
it is clear from the graph that the lighter nuclei, अच्छा lighter nuclei जो आपस में जुड़ेंगे इन्हें parent कहेंगे, ठीक है, और जो बाद भी बनेगा उसे daughter कहेंगे. ये ना इंसाफी है, उसे son क्यों नहीं कहेंगे ये समझ में नहीं आता. हाँ, उसको हम daughter nuclei कहते हैं, son nuclei नहीं कहते. हाँ, तो इसका इससे एक चीज प्रूव होती है कि daughter is feminine, sorry nucleus is feminine, ना? तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि न्यूक्लियस बन रहा है, हम ये कहेंगे न्यूक्लियस बन रही है. देखिए क्या लिखा, when the two the lighter nuclei are having less binding energy per nucleon, less binding energy per nucleon. But when they combine together, and make a daughter nucleus, the daughter nucleus will have greater binding energy per nucleon. It means the nucleons in daughter nucleus are more tightly bound. Nucleons in daughter nucleus are more tightly bound. So the total energy decreases. And hence the energy is out. And hence the energy is out. ये question बहुत बार, ये मैं आपको बता दूं, हर साल यही question repeat होते हैं. Graph खींचो and hence the energy is out. Graph खींचिए, हर साल का ये कहानी है. एक्सप्लेन करो फ्यूजन में क्यों एनर्जी निकलती है, जो आपने एक्सप्लेन कर लिया. एक्सप्लेन करो फिजन में क्यों निकलती है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है. फिजन में क्या होगा, फिर से ये लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट द पेरेंट न्यूक्लियस हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी, व्हेन दे डिसोसिएट डिसइंटीग्रेट दे विल हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. इट मीन्स the nucleons in daughter nuclei are more tightly bound and hence the energy is out. ठीक है, so students now we summarize all the topics we have already here with some animated video. So here is the video. Einstein proved that the mass is another form of energy and we can convert mass into energy or energy into mass. For this interconvertibility, he derived a formula given the relation between mass and energy. E is mc square, where c is speed of light equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. M is mass. This relation represents the interconvertibility of mass and energy. Nuclear binding energy. The nucleus is made up of protons and neutrons, and they together form a stable nucleus. This nucleus holds a very strong short-range force called nuclear force. This binding force is also known as nuclear binding energy. Look at the breakdown of a nucleus. Mass defect. When proton and neutron combines together, in order to form nucleus, they lose some of their mass during the process. This mass lost is known as mass defect. Mathematical expression. Delta M equal to
mass of nucleons minus mass of nucleus, which is equal to A minus M, which finally gives ZMP plus NMN minus M, where M is mass of the nucleus. Delta M is mass of the nucleons minus mass of the nucleus. MP is mass of the proton and MN is mass of the neutron. Also, packing fraction denoted by F is mass defect per nucleons. This implies F is equal to delta M by A. Example, find the energy of an oxygen atom 16O8 according to the given data. Actual mass of oxygen is mass of proton is mass of neutron is mass of electron is. Solution. Number of electrons, protons and neutrons in oxygen atom are 8, 8 and 8 respectively. Total mass of nucleotide of O is equal to 8 into mass of proton plus mass of neutron into 8 plus mass of electron into 8, which gives 16.12744 U. Mass defect is equal to calculated mass minus actual mass gives 0.13691 U. We know that delta E is delta MC square. Since 1 U is 931.5 mega electron volt per C square, this gives delta E as 127.5 mega electron volt. This is the energy of an oxygen atom. Binding energy per nucleon. The binding energy per nucleon is a function of mass number. From the graph, we noticed the following points. First, the binding energy per nucleon is lower in the light element for A less than 30, whereas higher with heavy element for A greater than 170. Second, the binding energy per nucleon is practically constant, that is, practically independent of the atomic mass number for A lies between 30 and 170. It means that nuclear force is short-ranged.